सूबाई वजीर अता मानिका ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। अता मोहम्मद मानिका का इस्तीफा वजीर आला शहबाज शरीफ को भिजवा दिया गया है। वजीर आला शहबाज शरीफ ने अता मानिका का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अता मानिका का ये कहना है कि गुज़िश्ता 4 बरसों से नारवा सलूक किया जा रहा है, उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, लेकिन वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अता मानिका की जानिब से यह मौकिफ अपनाया गया है कि गुज़िश्ता 4 बरसों से नारवा सलूक किया जा रहा है। सूबाई वजीर की जानिब से इस्तीफे की वजूहात क्या सामने आई है, अली अकबर से जानेंगे। अली अकबर बताइएगा, इस्तीफा भिजवाया गया है, इसके पसे पर्दा क्या मुहरिकात हैं? बिल्कुल, सूबाई वजीर अता मोहम्मद मानिका जो के फॉरवर्ड ब्लॉक में माहिर समझे जाते हैं और बेताज बादशाह हैं अपने सियासत में, और माजी में भी उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, लेकिन इस बार उनकी जो हुकूमत से नाराजगी है उसकी वजह जो है वो वजारत बताई जा रही है। मियां मोहम्मद अता मानिका जो है इससे पहले भी वजीर अला पंजाब से नाराज हुए थे जब इनको बैतुल माल का वजीर बनाया गया था और उसके बाद इनको औकाफ की वजारत दी गई थी, और अब भी इनका ये कहना है कि बिला वजह जो है मुझसे औकाफ की वजारत दी गई है। दिसंबर से लेकर अब तक वजीर अला पंजाब से मिलने के लिए वक्त दे रहा हूँ लेकिन मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा। मियां अता मोहम्मद मानिका का ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा भिजवाया है, लेकिन वजीर अला पंजाब ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, और वजीर अला पंजाब के सेक्रेटरी अमदादुल्ला खुशाल की जानब से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि मीडिया पर इस्तीफा को डिस्क्लोज ना करें, आपके साथ मुलाकात किए जाएंगे और आपके शिकवे दूर किए जाएंगे। अता मोहम्मद मानिका का ये भी कहना है कि उन पर मुसलसल ये दबाव दिया जा रहा है कि वो किसी किस्म की कोई बात ना करें और उनके जो शिकवे। अली अकबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हमें ज्वाइन किया है कजाफी बट ने, कजाफी से मजीद जानेंगे। जी कजाफी बताइएगा, अता मानिका ने इस्तीफा दे दिया है, उनका कहना है कि 4 बरसों से नारवा सलूक किया जा रहा है, मजीद क्या वजूहात सामने आई है? हाँ जी, मेन वजह उनके इस्तीफे की यही है कि उनको पहले जो है औकाफ की वजारत दी गई, उसके बाद उनकी दूसरी वजारत चेंज कर दी गई, और ये सिर्फ अता मानिका को ही नहीं बल्कि और भी अरकान असेंबली की भी शिकायत है कि वो वजीर आला से अपने तहफ़ुज़ात के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके मुलाकात का टाइम नहीं दिया जा रहा। और जो इस्तीफा लिखा है उसके अंदर वाजह तौर पर जो है अता मानिका ने यह तहरीर की है कि वो 2 मरतबा जो है वजीर आला से मिलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया, वो तहफुजात रखते थे अपने, उन्हें वो तहफुजात उनके सामने नहीं रखने दिए गए हैं, इसी बिना पर जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। पहले भी उन्होंने एक दफा इस्तीफा देने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें रोक दिया गया, लेकिन चूंकि अब वो ये देख रहे थे कि पानी जो है वो सर से ऊंचा हो गया है, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया, जो इस वक्त वजीर आला पंजाब की मेज पर पड़ा है, लेकिन वजीर आला पंजाब ने उसे कबूल नहीं किया है। बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि हालात मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रहे हैं इस वक्त पनामा के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून जो है कोई इस किस्म की जो है हुकूमत में रहते हुए जो है वो कोई मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अभी फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि वो इस्तीफा ना दें, इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन अता मानिका जो है चूंकि अब पानी सर से गुजर चुका है, इसलिए वो इस पर मुसर है कि उनका इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया जाए, लेकिन कबूल नहीं किया गया है। वाज़े तौर के अंदर जो है इसके अंदर तहरीर है कि उन्हें तहफुजात है, पहले वजारत औकाफ दी गई, फिर उसके बाद वजारत माल दे दिया गया, उन्हें उन्हें जो है बिल्कुल, ये भी उन्होंने इसके अंदर तहरीर किया कि उन्हें बिल्कुल 4 दीवारी के साथ लगा दिया गया, जिसके बाद मजबूरन जो है उन्होंने ये फैसला किया है, और ये उन्हें कबूल नहीं है क्योंकि वो एक सीनियर सियासतदान है और उनका सियासत में जो है माजी की सियासत में बहुत अहम रोल रहा है, और आप भी कुछ अरकान असेंबली के साथ उनके रवाबित हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है वो लीड कर सकते हैं। अभी कोई ऐसी सूरत सामने तो नहीं आई, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना तो जो इसके अंदर अता मानिका वो अहम रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, जो वाजे तौर पर उनके इस्तीफे के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि वो वजीर आला पंजाब से नाराज है, मुलाकात करने दी जाती, उन्हें ब्यूरोक्रेसी जो है जो वजीर आला के करीबी हल्का अहबाब है इस सिलसिले में रुकावट है, इसी वजह से जो है मजबूर उन्होंने इकदाम उठाया है। और अभी तो यूं महसूस होता है कि जिस तरह ये जो है बारिश का पहला कतरा, और भी लोग शायद तैयार बैठे होंगे जो इस वजीर आला के तहफुजात रखने के बावजूद जो है उनसे मुलाकात नहीं करने देगी, शायद इसके बाद जो है मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अता मानिका जो है अभी तक अपने इस्तीफे के ऊपर जो है वो मजबूत है, और उनका ये कहना है कि चूंकि दीवार से लगाया गया है इसलिए वो मजीद जो है वजारत में काम नहीं कर सकते हैं। जी कजाफी भट्ट, ये बताइएगा कि वजारत की तब्दीली के हवाले से तहफुजात का शिकार है और वजीर आला से मिलना चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई वजूहत हो सकती है, इसके अलावा भी कोई मसाइल है जो दरपेश है? देखिए जी, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल मंजरनामा इस वक्त चल रहा है कि हुकूमती जमात जो है वो पानामा के इशू पर जो है
वो फंसी हुई है और अराकीन असेंबली जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मुस्तकबिल नहीं देख रहे, अगर से कम वक्त रह गया है इंतखाबात में, लेकिन जो है कुछ लोग उड़ान भरने की सोच रहे हैं, दूसरी जमातों के साथ रवाबित में भी है, खुसूसन तहरीक इंसाफ के साथ कुछ लोग जो है रवाबित में भी है, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए बड़े अरसे से जो है वो बातें सुनने में आ रही है कि पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, ये उस सिलसिले की कड़ी हो सकता है। अगर कि अता मानिका साहब अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने वजारत से इस्तीफा दिया है, अपने पंजाब असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा नहीं दिया, अगर ये इस सिलसिले में कोई आगे कदम बढ़ता है तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये उस सिलसिले की पहली कड़ी हो सकता है कि तहफुजात हैं, मिलने नहीं दिया गया। सही, बहुत शुक्रिया कजाफी भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए।